आर्मी सामाजिक संगठन भारत एकता मिशन द्वारा बिछुआ नगर परिषद में बस स्टैंड से शासकीय महाविद्यालय तक 1 किलोमीटर डामरीकरण एवं सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण को लेकर न्यायालय तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। भीमार्मी के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि विगत कई वर्षों से बिछुआ से लेकर कॉलेज तक करीब 1 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य जर्जर खंडहर हालत में हो चुका है और जिससे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है बिछुआ तहसील में, लेकिन सड़कों पर खतरनाक गड्ढे ज्यादा होने की वजह से सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है। न ही इसकी मरम्मत कार्य किया जा रहा है और जबकि यह सड़क से स्कूल कॉलेज जुड़े हुए हैं। स्थानीय अधिकारी के द्वारा भी गोलमाल जवाब दिया जा रहा है। भीम आर्मी मांग करती है कि जल्द से जल्द 1 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य किया जाए जिससे आने जाने वालों को भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़े। ज्ञापन सौंपते समय भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, ब्लॉक सचिव व अन्य भीम आर्मी के सदस्य उपस्थित रहे। बताइए, आपने आज किस विषय में ज्ञापन दिया? आज जो कॉलेज से लेकर बिछुआ बस स्टैंड तक का जो रोड है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। काफ़ी लंबे समय से वो जो रोड है वो जर्जर हालत में, जगह जगह गड्ढे उसमें हो गए। और जिस भी विभाग से अपन इसकी जानकारी इसके पहले ली है तो सारे विभाग एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं, ये तो हमारे इसमें स्वीकृत नहीं है, ये नगर परिषद करेगा और PWD विभाग और दूसरी बात बताते हैं। तो इसी संबंध में तहसीलदार साहब को ये ज्ञापन दिया गया कि ये रोड जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाए। अगर स्वीकृत है तो कौन से विभाग की इसमें लापरवाही है उसके संज्ञान में लाकर ये रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि इस रोड पर सारी शैक्षणिक संस्थान और आवागमन मैंने कॉलेज तक, बस स्टैंड से कॉलेज तक बहुत ज़्यादा होता है। कोई दुर्घटना ना हो और जो लोगों को परेशानियां इस रोड से हो रही हैं वो समाप्त हो, इसलिए भीम आर्मी ब्लॉक बिछुआ ने आज तहसीलदार महोदय को ये ज्ञापन दिया। आइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए बिछुआ से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।